प्लेन फूड और स्वीट फूड, मैं इन दोनों में से क्या चूज करूँ? जी हाँ बेटा, तुम प्लेन फूड चूज करो, क्योंकि हर वक्त मिठाई खाना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मॉम मुझे प्लेन फूड पसंद नहीं है। मैं तुम्हारी हेल्थ के लिए कह रही हूँ बेटा, इसलिए प्लेन फूड चूज करो। ओके मॉम। मॉम मुझे बहुत भूख लगी है। ओ गॉड, तुझे अभी भूख लगनी थी, लेकिन घर में कोई प्लेन फूड है ही नहीं। मॉम आपको प्लेन फूड का स्टॉक भी रखना चाहिए ना, अब क्या मैं भूखी मरूं? तुम हर बात मुझे क्यों सुनाती हो, थोड़ा बहुत काम खुद भी कर लिया करो। फाइन मॉम, मैं अपना खुद देख लूंगी। जी दीदी, क्या आप मेरे चॉकलेट केक खाना चाहोगी? हाँ, ये तो स्वीट फूड है ना। हाँ मॉम ने मुझे स्वीट फूड चूज करने के लिए कहा था, इसलिए मैं ये केक खा। मॉम दिस इज नॉट फेयर, अगर ये स्वीट फूड खा सकती है तो मैं क्यों नहीं? खाना ठूसने के लिए लड़ना बंद करो तुम दोनों। अंकल एक ब्रेड का पैकेट देना। I'm sorry, प्लेन फूड का कोई ऑप्शन नहीं है, हर किसी ने स्वीट फूड ही चूज किया है। हाँ? सबने स्वीट फूड चूज किया है। वाओ ये चीज केक कितना टेस्टी है। नहीं मेरी आइसक्रीम ज्यादा अच्छी है। नहीं मेरी चॉकलेट अच्छी है। ओके आपके पास एक ब्रेड तो होगा ना, प्लीज वो दे दो मुझे। श्योर, लेकिन एक स्लाइस के 3000 रुपए। क्या, एक ब्रेड की स्लाइस के 3000 रुपए? फाइन, ये भूखा मरने से तो बेहतर ही है, दे दो। तुम ये ब्रेड क्यों खा रही हो, इस पर फफूंदी लगी है। क्या सच में? लेकिन मैंने तो इसे कैंटीन से खरीदा था। तो कुछ स्वीट फूड खरीद लेती ना तुम कैंटीन से। मैं नहीं खरीद सकती, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्लेन फूड चूज किया है, और अब मैं भूखा मरने से तो बेहतर है ना कि मैं ये फफूंदी लगी हुई ब्रेड ही ठूस लूं। लकीली आज मैं अपने साथ प्लेन फूड लेकर आई हूँ, ये लो तुम इसे खा लो। थैंक यू, आई एम फुल। क्लास आज हम फूड गेसिंग का गेम खेलेंगे, जो भी ये गेम जीतेगा वो सारा फूड उसे दे दिया जाएगा। सर क्या मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? या श्योर। That's apple, pineapple, banana and yogurt. Well done, Jia. Thank you, sir. अभी सारा फूड तुम्हारा हुआ। जिया इस खाने पर फफूंदी लगी है। क्या सच में? हाँ जिया, क्या तूने अभी तक कुछ नहीं खाया? मैंने प्लेन फूड चूज किया यार, और वो इतना ज्यादा रेयर है कि मुझे मिल भी नहीं रहा है। जिया अगर तुम भूखी रही तो ये बहुत ज्यादा डेंजरस हो सकता है। डेंजरस? Why? क्योंकि तुम्हारी फैमिली भी इससे इफेक्ट हो सकती है। क्या इसका मतलब मैं और मेरी पूरी फैमिली मर जाएंगे? यस जिया मर जाएंगे। हाँ हे बेब, तुम चॉकलेट खा रहे हो? यस, लेकिन तुम तो ये नहीं खा सकती है ना। हाँ मैं तो नहीं खा सकती, लेकिन तुम मुझे अपने हाथ से खिला सकते हो, क्योंकि अगर मैं इसे हाथ लगाऊंगी तो इसे फफूंदी लग जाएगी। ये आइडिया अच्छा है, ये लो। थैंक यू। मैंने चॉकलेट को खा तो लिया, लेकिन मेरा पेट क्यों नहीं भर रहा है? आई थिंक कोई भी स्वीट फूड खाने से तुम्हारा पेट नहीं भरेगा, तुम्हें कुछ प्लेन फूड खाना पड़ेगा। अब मैं प्लेन फूड कहाँ से लेकर आऊँ? एक तो सारे मार्केट में स्वीट फूड बिक रहा है, प्लेन फूड कोई नहीं बेच रहा है। हे तुम ये वाली स्वीट फूड खाओ, इससे तुम्हारी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। लेकिन मैं स्वीट फूड नहीं खा सकती, मैंने प्लेन फूड चूज किया है ना। ट्रस्ट मी, तुम ये चारों कैंडी खाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन आप ये मुझे क्यों दे रही है, इसमें फफूंदी लग जाएगी। इन्हें फफूंदी नहीं लगेगी, ये बहुत स्पेशल कैंडी है। ओके। नहीं नहीं तुम इसे अपनी फैमिली के सामने खाना, यहाँ नहीं खा सकती। मॉम जल्दी से दरवाजा खोलो। बिल्कुल नहीं, अभी हम खाना खा रहे हैं, बाद में खोलूं। मॉम मुझे आपके सामने ये कैंडी खानी है, और मुझे देखना है कि इसको खाने के बाद क्या होता है। नो लगता है मॉम तो नहीं खोलेगी, मैं इसे खा लेती हूँ। अब मैं कुछ स्वीट खाकर ट्राई करके देखती हूँ। ओह माय गॉड, ये तो बहुत पक गया और मेरा पेट भी भर गया। मैं अपने बेडरूम की विंडो से कब से तुझे निहार रही हूँ, तो घर के बाहर क्यों खड़ी है? क्योंकि मैं अंदर नहीं जा सकती, क्योंकि मेरी फैमिली खाना खा रही है ना, अगर मैं उनके सामने गई तो उनके स्वीट फूड को फफूंदी लग जाएगी। क्या तुम्हें डाउट नहीं हो रहा वो कितनी देर से अंदर खाना ही खा रहे हैं? हाँ उनको 5 घंटे हो गए हैं यार खाते हुए, पता नहीं ऐसे क्या कर रहे हैं वो। वो सब छोड़, तुम्हारे घर वालों ने एक्स्ट्रा की तो छुपाई होगी ना, यहाँ कारपेट के नीचे या फिर कहीं और। अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी, एक मिनट रुको। चलो मॉम आई एम होम। ओह माय गॉड इन सबको क्या हुआ, ये सब बेहोश कैसे हो गए, तुम ऐसे क्या खड़ी हो, जल्दी से इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलो। चलो छोड़ो। जिया तुम्हारी फैमिली की जान खतरे में है। ये सब मेरी गलती है। मुझे लगा था ये जिया सिर्फ प्लेन फूड खा सकती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब मेरा जो मन करे मैं वो खा सकती हूँ। गाइस फुल वीडियो कमेंट बॉक्स आपके मेनू में जो भी अच्छा अच्छा खाना है ना वो सब मुझे दे दीजिए। ओह मुझे तो लगा था तुम सिर्फ प्लेन फूड खा सकती हो। नहीं अब ऐसा नहीं है, अब मेरा जो मन करे मैं वो खा सकती हूँ। ओहो क्या सच में? हाँ तो आप कितना टोटल हुआ वो मुझे बता दो। तुम्हारे हुए 3000 रुपए, क्या तुम इसे पे कर सकती हो? या मैं अपने मॉम के कार्ड से पे कर दूंगी। ये लो। थैंक यू। कैंटीन में जो कुछ भी था वो सब बिक गया है। हाँ अगर सब कुछ यही खरीद लेगी तो हम सब क्या? गाइस तुम लोग प्लेन फूड खा सकते हो अगर कैंटीन में बचा होगा तो। फाइनली मैं स्वीट फूड खा सकती हूँ, वाओ। तुम कहाँ थी, मैं पूरे दिन से तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या हुआ? तुम्हारी फैमिली हॉस्पिटल में है, वहाँ उनकी अच्छे से केयर नहीं हो रही है, डॉक्टर उनकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, तुम्हें उनकी हेल्प करनी पड़ेगी। पहले मैं अपना खाना खत्म करके आती हूँ, फिर मैं तुमसे बात करूंगी। मैं कब से खाना खा रही हूँ लेकिन मेरा पेट क्यों नहीं भर रहा है? शायद इसलिए क्योंकि तुम स्वीट खा रही हो। ये तो कोई मतलब नहीं हुआ, उस बूढ़ी औरत ने जब मुझे वो कैंडी दी थी उसके बाद तो सब कुछ सही चल रहा था, ये अचानक से क्या हो गया?
हे आंटी, आपने जो मुझे कैंडी दी थी वो वर्क ही नहीं कर रही है क्योंकि तुमने उसे अपनी फैमिली के सामने नहीं खाया। तो अब मैं क्या करूँ? अपने टीचर के पास जाओ, मैंने उन्हें कुछ फूड दिया है जिसे तुम अपनी फैमिली को सेव कर पाओगी। ओके सर। जिया तुम कहाँ थी? मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा था। वो बूढ़ी आंटी ने जो आपको मेरे लिए फूड दिया था वो आपके पास है? हाँ ये लो, और जाकर इसे अपनी फैमिली के सामने खाओ। वाओ, ये देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। मॉम, मिस्टी, अब तुम सब लोग ठीक हो जाओगे। ये क्या हो गया? मॉम, मिस्टी, आप लोग ठीक हो गए? हाँ बेटा, हम दोनों अब बिल्कुल ठीक हैं। ये सब मेरी गलती है मॉम, मैंने स्वीट फूड खा लिया था, इसकी वजह से आप लोग बेहोश हो गए। अच्छा, तो तुमने वो स्वीट फूड खा लिया था, तो अब हम फिर से दोबारा होश में कैसे आए? वो बूढ़ी आंटी ने जो मुझे कैंडी दी थी ना, उन्होंने मुझे आज एक और कैंडी दी, और उन्होंने मुझे कहा कि मैं इसे आप सबके सामने खाऊं, जिससे आप सब लोग होश में आ जाओगे। फिर तो तुम्हें उन्हें थैंक यू बोलना चाहिए बेटा। यस मॉम, मैं अभी आती हूँ। आंटी, आपकी कैंडी वर्क कर गई, मेरी मॉम और बहन ठीक हो गए। आई नो बेटा, और अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब तुम स्वीट फूड भी खा सकती हो हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू सो मच। गाइज, अगर आपको स्टोरी और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर देना। बाय बाय।